नेशनल डॉक्टर डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम से पूरी होंगी कमियां। रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा भारत में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, बशर्ते लोग सावधान रहें और टीकाकरण को दें प्राथमिकता। अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष को दी जन्मदिन की बधाई। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर चर्चा के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट बचाने के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयास की ऑस्ट्रेलिया में सराहना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के जावरा में भाजपा की। भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 60 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस को मजबूती देने का वादा किया है। कांग्रेस में शामिल होते ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान में भाजपा अपने मार्ग से हटकर एक अलग ही राह पर चलती नजर आ रही है और उसकी राजनीति में भी अब वो बात नहीं रह गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ने हनुमान जी के मंदिर में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया कि भाजपा से अब लोगों का मोहभंग होने लगा है, भाजपा अब बस स्वार्थ की राजनीति कर रही है, कार्यकर्ताओं का वहां पर शोषण हो रहा है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पौधे को सींच कर बड़ा किया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की ही नहीं सुन रही है, जिससे परेशान होकर भाजपा के 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। भैया, एक कार्यक्रम नहीं, पारिवारिक आयोजन था। कांग्रेस परिवार को जिस प्रकार से लोगों की आस्था कांग्रेस के लिए बढ़ी, भाजपा के लोग भाजपा से परेशान हुए और कांग्रेस के में आने की इच्छा व्यक्त की, वही मेरे मन की पीड़ा थी कि जितने युवा आज भाजपा में सत्ता दल के सदस्य होते हुए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनका सम्मान हम करें। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन जिला कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से एवं हमारे वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई वरुण जी छोत्री के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर बिठाने का कोशिश की है और ये कोशिश निरंतर चलती रहेगी। बहुत ये रेतीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है, बजरंग बली का स्थान है और यहाँ पर सभी कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी में कुछ कार्यकर्ता आना चाहते थे, उनका कांग्रेस में आज प्रवेश हुआ है और सभी ये कांग्रेस जन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है, सांगठनिक चर्चा हमारी हुई है। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नेहरू सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेहरू, 60 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो जावरा में अभी बनती हुई नजर आ रही? देखिए, जावरा में जिस तरह मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कांग्रेस में काफी गुटबाजी है, अलग अलग गुट चलते थे और इससे कांग्रेस को काफी हानि पहुंची है। उसके बाद यहाँ से जो वरुण छोत्री हैं कांग्रेस के नेता, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने एक आयोजन रखा, एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में उन्होंने शहर के सभी विधानसभा के कद्दावर नेताओं को बुला करके एक जाजम पर बिठाया और वहाँ के ग्रामीण जो कार्यकर्ता थे आसपास के गांव के क्षेत्रों के, उनसे उनकी निरंतर बात चल रही थी। 60 से अधिक लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो अपने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को समझ नहीं पा रहे थे, जिससे वो कहीं ना कहीं पीड़ित भी थे, तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल हो गए। नेहरू, आपने 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बात की है, क्या कोई बड़ा नेता भी या ऐसा कोई नाम है जो शामिल हुआ हो? जी देखिए, नाम तो उसमें किसी ऐसे कद्दावर नेता का नहीं है, परंतु छोटे कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत करते हैं, ऐसा वरुण छोत्री ने जानकारी देते हुए बताया था कि छोटे छोटे से जो कार्यकर्ता होते हैं वही पार्टी की नीम और पार्टी को मजबूत करते हैं। बट ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे साथ 60 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं,
तो हम ये मानते हैं कि ये कई सभी जितने लोग हैं ये सब कद्दावर नेता ही हैं और हम इनका स्वागत सम्मान करते हैं। इस तरह कांग्रेस के लोगों ने इनका स्वागत करते हुए अपनी पार्टी में इनको शामिल किया। ऐसे में भाजपा नेतृत्व की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? जी बिल्कुल, भाजपा से हमने बिल्कुल बात करने की कोशिश की थी पर अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई है। नेहरू, एक बड़ी चीज़ होती है जब 60 से ज़्यादा कार्यकर्ता किसी भी ज़िले में अगर शामिल होते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा इलाका ज़रूर होता है जो मुख्य रूप से प्रभावित हुआ हो, तो ऐसे में ये जो 60 कार्यकर्ता जिनकी आपने बात कही है या बात कर रहे हैं, ये कौन सा वो इलाका है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी नेताओं में हलचल तो देखने को मिली है पर कहीं ना कहीं उनका ऐसा कहना है कि हम इनको नहीं जानते हैं, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इस तरह की कई लोगों के अफवाह चलती है जो इस तरह से उन्होंने बताया है। तो तमाम तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये कार्यकर्ता भाजपा के हैं ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहरू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। रीवा में विद्युत वितरण कंपनी में मीटर रीडर की भर्ती को लेकर एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश बिजली जो विभाग है उसमें कंपनी में भर्ती को लेकर दो लोगों की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में 15,000 रुपये देकर भर्ती होने का जिक्र किया गया और साथ ही दूसरा व्यक्ति सलाह दे रहा है कि 15,000 प्रोग्रामर को ये पैसे देकर तुम भी भर्ती हो जाओ। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद MPEB में हड़कंप मच गया है। विभाग ने मामले की गंभीरता देखते हुए इसके जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही साइबर सेल और पुलिस में शिकायत दर्ज की है। वहीं SI का कहना है कि मीटर रीडर को 3,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और इसकी भर्ती के लिए 15,000 रुपये मांगना बेहद ही गंभीर है, जबकि मीटर रीडिंग का काम जिस एजेंसी को दिया गया था उसका काम पूरा हो चुका है और अब इस काम के लिए नया टेंडर बुलाया जा रहा है। इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अहमिया थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी हमारे इस मंथ में जो मीटर रीडर लिए जा रहे हैं वो एक्चुअली मैंडेट पे लिए जा रहे हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कलेक्टर रेट पे पेमेंट होगा उस हिसाब से उनकी पेमेंट की जाएगी। तो 15,000 रुपये तो खैर इनको मिलेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3,000 रुपये इनको मिलने हैं इस मंथ के लिए। टेंडर अभी हुआ नहीं है तो 15,000 का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा ये है कि अगर इन्होंने ऐसा ऑडियो जिन लोगों ने बनाया है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक शिकायत भी की है थाने में और साइबर सेल को भी रिक्वेस्ट किया है कि उन लोगों का कम से कम भंडाफोड़ हो और वो लोग सामने आए। जो भी इस सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश की जा रही है तो उसके खिलाफ जो धार जिले में जिला कलेक्टर आलोक सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण किया। IAS SDM विवेक कुमार एवं राजस्व विभाग और पंचायत डेहरी सरपंच एवं पत्रकार बंधुओं ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने सबको आश्वासन भी दिया। दरअसल धार जिले में हड़कंप तो तब मच गया जब जिला कलेक्टर आलोक सिंह और अपर कलेक्टर ने कुक्षी तहसील के ग्राम डेहरी में दौरा किया। वहीं जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र के अहम मुद्दों जैसे अस्पताल, वॉल बाउंड्री एवं फ्लोराइड पानी की भी चर्चा की। सिविल अस्पताल के BMO डॉक्टर अभिषेक रावत से भी बात करके समस्याओं के बारे में जाना। आज हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र का विजिट था, CEO साहब के साथ पूरे क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे और SDM साहब पिछले 5-6 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि PHE के जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करके और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इससे मुक्ति दिला सकें। जो हमारा जल मिशन है उसके तहत पूरे ज़िले में इस साल हम लोगों ने लगभग 80,000 लोगों को कनेक्शन दिया है। वहीं धार जिले से ही आई एक और खबर ने सनसनी फैला दी है। निजरपुर गांव में 5 माह की मासूम को सोनू नाम की महिला उठाकर भागने लगी। बच्ची को लेकर फरार महिला को पुलिस ने बड़वानी से धर दबोचा है। दरअसल परिजनों ने बताया कि बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी, उसी वक्त महिला मासूम को उठाकर भाग निकली। इतनी खबर मिलते ही निजरपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 2 घंटे में ही बड़वानी से शातिर चोरनी सोनू को बच्ची के साथ पुलिस चौकी ले आए, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दादाभाई पति भीम सोलंकी निवासी बड़ी पुराने चौकी आकर एक सूचना दिया कि मेरी बच्ची को किसी अज्ञात महिला द्वारा घर से उठाकर ले गया, जिसकी सूचना पर संभावित स्थानों पर टीम रवाना कर तलाशी की गई।
जो एक महिला बड़वानी बस स्टैंड पर एक बच्ची को लिए घूम रही थी, जिसे पकड़ कर चौकी लाया। वहीं जावरा में एक अलग ही मामला देखने को मिला है। यहाँ एक महिला को अपना पति पसंद नहीं आया और फिर क्या हुआ, महिला ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी, जिसके बाद युवक का शव बोरे में बंद पड़ा मिला। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए महिला और उसके प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक और घटना हुई जावरा जिले में, जहां पर पत्नी ने अपने पति को अपने दो प्रेमियों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। तो एक दिल दहला देने वाला मामला है, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ साजिश रचते हुए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। तो इस तरह की तस्वीरें तमाम हमारे समाज में आती रहती हैं, लेकिन ये बेहद विचलित भी करती हैं। वहीं इंदौर में श्याम शर्मा नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद एरोड्रम पुलिस ने धोखाधड़ी के अपराध में पिता पुत्र की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित युवक ने मोहम्मद अली और उसके बेटे कुद्दूस से एक प्लॉट को लेकर सौदा किया था, जिसमें 1,00,000 नकदी भी दे दी थी, लेकिन पिता पुत्र ने वो प्लॉट की रजिस्ट्री श्याम शर्मा को न करते हुए अन्य किसी को बेच दिया। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने पिता और उसके बेटे के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। आवेदक श्याम पिता लक्ष्मण शर्मा निवासी सूरजवली नगर ने शिकायत आवेदन दिया था कि उन्होंने वर्ष 2019 में मोहम्मद अली और उसके बेटे कुद्दूस अली से एक प्लॉट का इकरारनामा किया था, अनुबंध किया था, और उसके बयाने पेटे उनको समथिंग 1,65,000 रुपये दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको प्लॉट की रजिस्ट्री न करते हुए किसी अन्य को वर्ष 2020 में वो जनवरी में प्लॉट दोबारा से विक्रय कर दिया। इसमें मोहम्मद अली और उनके पुत्र कुद्दूस अली के निवासी दोनों ही सूरजवली नगर छोटा बांगड़ा रोड। कितने में क्या सौदा हुआ था कुछ? ये 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, इसका सौदा 5,00,000 रुपए में तय हुआ था और बयाना पेटा 1,64,000 रुपए दिया था। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जावेद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या कुछ मामला है ये? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर के भोरकुंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले गोविंद सिंह जी के जीजा जो उत्तरांचल से इंदौर पर्यटक के तौर पर घूमने आए थे, उन्होंने इंदौर आकर एक ओला कैब बुक की, जिसके बाद उनके मोबाइल पे एक लिंक आई। लिंक ओपन करते ही उनके अकाउंट से 48,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने भोरकुंडा थाने में की। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी बड़ी चरम पर है। आए दिन रोज 2-4 प्रकरण इंदौर शहर में इस तरह के दर्ज होने लगे हैं। जावेद, ये आपने ऑनलाइन का जिक्र किया है, क्या इसमें ऑनलाइन का क्या ये पूरा मामला है? ऑनलाइन का सर ये मामला है कि पर्यटक इंदौर घूमने आए थे उत्तरांचल से, उन्होंने ओला कैब जो होती है टैक्सी, उसे ओमकारेश्वर जाने के लिए, ओमकारेश्वर के अंदर धार्मिक स्थल है बड़े, दर्शन करने वो जा रहे थे। उन्होंने ओला कैब जब बुक की, बुक करने के बाद उनके मोबाइल पे एक लिंक आती है, जैसे वो लिंक ओपन करते हैं उनके अकाउंट से 48,000 रुपए कट जाते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाना क्षेत्र में की है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको बता दूं, जिस थाना क्षेत्र में ये धोखाधड़ी हुई, अभी एक हफ्ते में हुआ 5 इसी तरह के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इंदौर के MY अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में देवास जिले के नेमावर में हुई 5 लोगों की हत्या के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इंदौर के MY अस्पताल में सभी मृतकों के परिजन भी पहुंचे, जहां पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना है कि उनके परिवार के 5 लोग पिछले 2 महीने से लापता थे। उनकी कोई जानकारी हमें नहीं लगी थी, लेकिन जब पुलिस द्वारा हमें लाशें मिलने की सूचना दी गई, तब हमें ये जानकारी लगी। वही परिजन अब तक मृतकों के शवों को नहीं देख पाए हैं। परिजनों का कहना है कि रूपाली नामक युवती से आरोपी का प्रेम प्रसंग था, इस बात की जानकारी हम में से किसी को नहीं थी। MY अस्पताल में पुलिस शवों के पोस्टमार्टम करवाने से पहले परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। तीनों के, एक के नाम रूपाली थे, एक के नाम दिव्या और एक सास के नाम ममता भाई। तो ये एकदम से कब गायब हो गए थे रात में? ये 13 मई को निकले थे सर। मैं दूसरे दिन आया था, ढूंढ ताप करी और फिर उसके बाद में मैं दौड़ चाप कर रहा हूँ, बाकी आप भी मेरे को कल खबर लगी कि लाश मिली है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया। 13 मई को क्या बोल के निकले थे?
ये पता नहीं सर, ये भी बोला था जो अपन तो दूसरी जगह जॉब करता हूँ मैं, तो यहाँ पे पढ़े के लिए छोड़े थे रिश्तेदार में, लेकिन कुछ नहीं लिखवाया, सब लापता लिखवाए थे, रिपोर्ट इनने भी लिखवा दी थी। ये चीज़ आपको पता? अरे भैया पता तो अपन को अभी लगा है कैसा ऐसा हुआ है, मोटर का होगा जैसी खबर मिली और हम यहाँ थाने में आए थे, अपन को तो पता ही नहीं कौन से खेत में मिला और क्या हुआ। वहीं रतलाम जिले में पानी की समस्या से परेशान मेवासा गांव के ग्रामीणों ने पंचायत पर हमला बोल दिया, जहां पंचायत सीईओ रामपाल सिंह ने ग्रामीणों की परेशानी को सुना, जिसके बाद सीईओ ने लोगों को दो दिन में ठीक कराने का आश्वासन दिया। दरअसल मामला रतलाम जिले में पानी की कमी और ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही का है, जहाँ नाराज ग्रामीणों ने जिला पंचायत पर हमला बोल दिया। पंचायत सीईओ रामपाल सिंह से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया, सीईओ ने ग्रामवासियों की समस्या सुनी और उनको टैंकर की वैकल्पिक व्यवस्था कराने का आश्वासन देते हुए दो दिन बाद मोटर उपलब्ध कराने की भी बात कही है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव की शिकायत सुनकर सीईओ ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर विधिवत कार्रवाई करने का फैसला लिया है। पानी के पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और सरकारी बर्मा में से सरकारी होल लगा तो ये प्राइवेट में डाल दिया खींच के मोटर, उसमें मोटर चल रही थी तो वहाँ से निकाल के प्राइवेट होल में डाल दी मोटर। हम 25-30 घर वाले सब परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। ग्राम पंचायत तो नवासा के कुछ ग्रामीण 10-12 लोग आए थे, पेयजल की समस्या को लेके आए थे वहाँ पे। वहाँ पर उनका जो बोर था वहाँ से अभी मोटर नहीं, वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहाँ पर पास में ही हैंडपम्प है, 100 मीटर के दायरे में तो हैंडपम्प है, वहाँ से वो पानी ले सकते हैं। हमने और एक अलग से व्यवस्था उनके लिए करी है कि टैंकर से भी उनके लिए अभी 2-3 दिन के लिए आपूर्ति करेंगे, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी वहाँ पर, और उसके लिए अलग से मोटर की व्यवस्था की जा रही है, मोटर डल जाएगी उनको प्रॉपर पानी की। वही रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों के सहयोग से छात्रों ने अपने बिछड़े हुए साथी की याद में रौनक उपवन स्थापित किया। कॉलेज के 2016 बैच के छात्रों ने कॉलेज परिसर में ही बिछड़े साथी डॉक्टर रौनक भंडारी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए रौनक उपवन तैयार किया है। डॉक्टर रौनक की स्मृति को संजोने के लिए शिक्षकों और परिवार के लोगों ने काफ़ी सराहना की है। आपको बता दें कि डॉक्टर रौनक की मौत सिलपरा नहर में डूबने की वजह से हुई थी। रौनक उपवन डॉक्टर रौनक भंडारी की याद में हम बैचमेट्स ने और टीचर्स ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के परिवार ने मिलकर उसको एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है। और इस बात को याद रखने के लिए कि कभी भी हमारे जूनियर्स को ये संदेश देने के लिए हमने ये उपवन बनाया है कि किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर दुर्घटना हो सकती है और आपकी जान की हानि हो सकती है, ये हमेशा हम याद रखें कि हमारी जान, हमारा जीवन हमारे अपनों के लिए कितना कीमती है, और उसकी याद में और प्रकृति को एक प्रेम स्वरूप भेंट देने के लिए 16 बैच के लोगों ने और हमारे शिक्षकों ने मिलकर रौनक उपवन का शुरुआत की है, और हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा इसको ऐसे। मैं इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं और एक हफ्ते के अंदर करीब 5 मामले भी दर्ज किए गए हैं। बता दें कि उत्तरांचल प्रदेश से इंदौर घूमने आए परिवार के साथ ओला गाड़ी बुक करने के नाम पर हजारों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि फरियादी की शिकायत पर पूरी जानकारी ले ली गई है और जांच शुरू की गई है। इंदौर से ओंकारेश्वर घूमने के लिए कार ओला बुक करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक मोबाइल पर सर्च करके मोबाइल फोन से बात किया, तो उन्होंने 800 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से और फूल खुद का होना बताया, तो खुद खर्च करेंगे बुक हो जाएगी। उन्होंने लिंक वगैरह मांगा, उन्होंने लिंक जैसे ही दिया वैसे ही उसके उनके अकाउंट से 48,000 रुपये कट गए। तो इस संबंध में उन्होंने शिकायत की, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाँच की गई, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 420 IPC 66 IT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं सीहोर में बीते दिनों देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी है। वहीं हत्या के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता सुनील कटारा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और मांग की गई है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लगातार जिले में आदिवासियों का अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो
सीहोर में इस तरह के कई मामले सुनने में आए हैं और इसी को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब बिगुल फूंक दिया है और आदिवासी परिवार के सदस्यों की हत्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।